हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सारू रसोई में। आज मैं आपको माइक्रोवेव में मूंगफली को रोस्ट करना बताऊंगी, और वो भी केवल 2 मिनट में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम देख लेते हैं कि माइक्रोवेव में कैसे मूंगफली को रोस्ट करते हैं। माइक्रोवेव में आप इस तरह प्लेट पर मूंगफली को डाल दें, इसमें एक ग्लास की जो प्लेट होती है आप उसमें डाल दें, या फिर आप किसी अलग से प्लेट में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसी प्लेट पर इसको डाल दिया है। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं इसे माइक्रोवेव ही कर रही हूँ, और केवल इसमें अब 1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे एक बार देख लेती हूँ। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टाइम 0 हो गया है। अब हम मूंगफली को देख लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, माइक्रोवेव को मैंने बंद कर दिया है और मूंगफली हमारी भुनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं मूंगफली का छिलका भी ऊपर से हटने लगा है। अब इसको हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। फ्रेंड्स, मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई है। हमने केवल इसे 2 मिनट ही रोस्ट किया है। आप 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल इसको माइक्रोवेव ना करें। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये मूंगफली है, जो देखिए कितने आराम से इसका छिलका निकल गया है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी टिप्स? अगर आपको मेरी टिप्स ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।